बड़ी खबर इस वक्त यह आ रही है कि खुफिया सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने श्री श्री रविशंकर को तहरीक तालिबान से खतरे का अलर्ट किया है। खबर है कि आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर को तहरीक तालिबान की तरफ से दो बार धमकी भरे खत मिले हैं। खत में कहा गया है कि रविशंकर को नुकसान पहुंचाया जाएगा। बड़ी खबर है ये, श्री श्री रविशंकर, उनको धमकी भरा खत्र मिला है। आतिर खान हमारे साथ हैं। आतिर, पूरी खबर बताएं। देखिए निशान, इस पूरी इस प्रकरण के बाद जो है गृह मंत्रालय ने जो वीआईपी डिवीजन है, वीआईपी सिक्योरिटी डिवीजन, उसने पूरे देश में सभी राज्य पुलिसों को इस बारे में आगाह किया है और अलर्ट किया है कि उनको बहुत ही सीवियर, जिसको कहते हैं कि गंभीर थ्रेट परसेप्शन जो है उसका आकलन किया गया है और तहरीक तालिबान खासतौर से उसका नाम उसमें मेंशन किया गया है। और ये कहा गया है कि इस्लामाबाद में भी जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो वहाँ पर सेंटर है उसको भी क्षति पहुँचाई गई थी। इसके मद्देनजर जो उनको लेटर्स मिले हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, तो इसके मद्देनजर उनकी सुरक्षा जहाँ पे भी, क्योंकि भारत में भी कई जगह उनकी आर्ट ऑफ लिविंग जो संगठन है उसके कई जगह दफ्तर हैं उनके, तो वहाँ पर जहाँ पे भी श्री श्री रविशंकर जाते हैं वहाँ पे सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ये हिदायत है गृह मंत्रालय की। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा जो आप बता रहे हैं अभी इस वक्त, इसमें ये क्या सिलसिलेवार तरीके से पहले से ही हो रहा था या हाल फिलहाल में देखा गया है जो धमकी भरे खत आ रहे हैं, जो धमकी आ रही है? देखिए, ये सिलसिला काफी समय से चल रहा है। साल पहले भी उनको जब वो मलेशिया गए थे एक अपने प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ ISIS से भी उनको धमकी भरे खत मिले थे और ये कहा गया था इसमें कि वो इराक और ईरान तक जाते हैं और वहाँ हस्तक्षेप करते हैं। इस पे उन्होंने आपत्ति जताई थी और ये धमकी दी थी कि उनको नुकसान पहुँचाया जाएगा। लेकिन अब उसके बाद से तहरीक तालिबान की बात अब सामने आई है, जबकि गृह मंत्रालय ने पूरा आकलन किया है थ्रेट परसेप्शन की जो स्टडी करने के बाद ये बात सामने आई है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।